बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट 9, जिसका नाम है फिज़िकल ऑप्टिक्स, इसमें मुझे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 7 है, टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। अब इंटरफेरेंस बच्चे क्या है और इंटरफेरेंस के लिए कौन से शराइत है, मतलब लाइट के इंटरफेरेंस के लिए ये शर्त है बच्चे कि लाइट का कोहेरेंस होना ज़रूरी है। अब अगर कोहेरेंस लाइट ना हो, दो कोहेरेंस लाइट ना हो, तो फिर इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय बच्चे, अगर हम देखें तो थिन फिल्म का मतलब क्या है और सबसे पहले व्हाट इज़ इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले बच्चे हम इंटरफेरेंस को डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस। देखिए बच्चे, इंटरफेरेंस का मतलब है, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन, द सुपरपोजिशन, द सुपर पोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, द सुपर पोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेस। अब देखिए बच्चे, अगर हमारे पास लाइट पार्टिकल है तो पार्टिकल में जब कोलिजन होता है तो वो तो बच्चे हम देख सकते हैं, लेकिन वेव में किस तरह कोलिजन होता है अब उसको तो हम नहीं देख सकते। तो अब यहाँ पे हम इंटरफेरेंस को बच्चे देखें दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हाट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए बच्चे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास देखिए बच्चे, ये एक मीडियम है, ये हमारे पास यहाँ पे ये एक वेव है, और ये हमारे पास देखिए सेम ओरिजिन से दूसरा वेव निकला है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, क्रैश क्रैश पे आ चुका है और ट्रप ट्रप पे, तो क्रैश क्रैश पे और ट्रप ट्रप पे आने का मतलब यही है कि यहाँ पे हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलता है बच्चे, उसकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, एंड एज अ रिजल्ट हम स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चे ब्राइट बैंड को। तो इसकी वजह यही है कि क्रैश क्रैश पे आया, ट्रप ट्रप पे आया, उन्होंने एक दूसरे के फोर्स को, रीइंफोर्स को इंक्रीज किया, एंड एज अ रिजल्ट लाइट की इंटेंसिटी बच्चे क्या हुई, बढ़ गई। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बच्चे जो पार्ट डिफरेंस है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है एम लैम्डा। लेकिन अगर हम देखें दूसरी टाइप इसकी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक वेव यहाँ से निकला, दूसरा वेव बच्चे इसके अपोजिट से निकला, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे देखिए क्रैश ट्रप और ट्रप क्रैश पे आया। अब इन्होंने एक दूसरे के असर को क्या किया, कैंसिल किया। अब हमें जो स्क्रीन पे नज़र आएगा, तो स्क्रीन पे हमें डार्क बैंड नज़र आएंगे। व्हाट डार्क बैंड स्क्रीन पे हमें नज़र आएंगे। अब यहाँ पे इसका जो पार्ट डिफरेंस है वो बराबर है बच्चे एम प्लस हाफ लैम्डा। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट डू मीन बाय थिन फिल्म। थिन का मतलब होता है बच्चे पतला, और फिल्म का यहाँ पे मतलब होता है लेयर। व्हाट
तीन का मतलब होते तेह मीन्स लेयर्स। अब तीन फिल्म को बच्चे हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अ तीन फिल्म इज अ वेरी फाइन लेयर्स ऑफ मटेरियल ऑफ थिकनेस कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब इसकी जो थिकनेस है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है। अब रेंजिंग फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ अ नैनोमीटर टू सेवरल माइक्रोमीटर, ये इसकी क्या है बच्चे रेंज है। मतलब ये नैनोमीटर का मतलब है हाउ मच 10^-9 मीटर या 10^-6 मीटर, ये इस तीन फिल्म की क्या होगी बच्चे रेंज होगी। अब हमारा जो इंटरफेरेंस इन तीन फिल्म है वो किस उसूल पे काम करता है बच्चे, तो मायन मेरा कि बच्चे कि इंटरफेरेंस इन तीन फिल्म इज बेस अपॉन द डिवीजन ऑफ फोटो एम्पलीट्यूड। तीन फिल्म हैव मेनी कमर्शियल एप्लीकेशन। देखिए बच्चे इसके कमर्शियल एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट इसमें है एंटी रिफ्लेक्शन, सेकेंड इसमें है बच्चे कोटिंग, थर्ड है मिरर एंड ऑप्टिकल फिल्टर, ये इसके कमर्शियल एप्लीकेशन है। लेकिन अगर हम इसकी बच्चे डेली लाइफ में एग्जाम्पल दे के इंटरफेरेंस इन तीन फिल्म की, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है अगर आपने देखा है मिसाल के तौर पर अगर हम पानी ले ले और पानी में से कुछ उस पर कुछ ऑयल डाले और उस पर लाइट इंसिडेंट करे तो वहाँ पे हमें कुछ कलर फ्रिंजेस नज़र आते हैं, सो दे आर कॉल इंटरफेरेंस इन तीन फिल्म। या अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी सड़क पे जाते हैं तो वहाँ पे अगर बारिश हुई है तो चूँकि सड़क ने ऑयल को जज़ब किया है तो जब पानी होती पानी डेंसर है ऑयल से तो पानी नीचे की तरफ चला जाता है और ऑयल बिल्कुल सरफेस पे आता है, तो जब इस पे लाइट पड़ती है बच्चे तो वहाँ पे हमें कोई ऑयल सा स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो ये सब किसकी मदद से है, इंटरफेरेंस एंड थिन फिल्म की वजह से है। अब देखिए बच्चे द बेंड ऑफ कलर दैट अकर ऑन द अपर सरफेस ऑफ अ स्लाइटली ऑयली वाइट, ये भी इंटरफेरेंस इन तीन फिल्म है। यह कलर ऑब्जर्व इन द सोप बबल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सो दीज कलर बेंड्स आर रियली रियली इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कॉज बाय द रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर इन लोअर सरफेस ऑफ अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन अ वाटर। अब अवश्य हम इंटरफेरेंस इन तीन फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि व्हाट डू मीन बाय इंटरफेरेंस इन तीन फिल्म, इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे एक्सप्लेनेशन के लिए हम डायग्राम से इस टॉपिक को समझाते हैं कि रियली व्हाट डू मीन बाय इंटरफेरेंस इन तीन फिल्म। देखिए बच्चे यहाँ पे ये हमारे पास एक लेयर है, देखिए ये हमारे पास यहाँ पे है अपर सरफेस, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ईयर है, ये एक मीडियम है। अब यहाँ पे चलो ये दूसरा जो लेयर्स है ये वाला, ये सारा बच्चे ये हमारे पास देखिए ये ऑयल ऑयल है, ये ऑयल है, और ये फॉर एग्जांपल सेकेंड मीडियम ये हमारे पास क्या है, ये ऑयल है, और थर्ड मीडियम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सारा यहाँ पे क्या है, ये सारा क्या है बच्चे ये वाटर है, ये हमारे पास क्या है ये वाटर है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे अगर हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट करें, ये हमारे पास क्या है सपोज दैट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये क्या है, ये है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब इस लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है बच्चे, वो है लेमडा। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंगल क्या है एन एंड एन ओ एन डेज, चलो ये हमारे पास एंगल 90 है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बच्चे हमने पढ़ा है कि द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल
मस्ट बी लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरी बात यह है कि द इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल मस्ट बी इक्वल, दे आर कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां देखिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल यहां पे लाइट इंसिडेंट हुई, तो लाइट का अगर आप देखें ना, ये हमारे पास क्या है, अपर पोर्शन है, तो लाइट का मोनोक्रोमेटिक लाइट का बच्चे यहां पे कुछ हिस्सा क्या हुआ, यहां पे कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन अगर हम यहां पे देखें ना, तो इसी ही लाइट का कुछ हिस्सा क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ। अब ये लाइट का वो हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लाइट है, इंसिडेंट लाइट है ओ ए, तो ये हमारे पास है ए बी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये ए सी हमारे पास है, दैट इज व्हाट, दैट इज रिफ्रैक्टेड लाइट। ये लाइट का जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा इसका बच्चे रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ हिस्सा इसका क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ। तो मतलब यहाँ पे जो हमने लाइट इंसिडेंट की, ये दो हिस्सों में बढ़ गया, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ और इसका कुछ हिस्सा क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ। अब यहाँ पे बच्चे जो इसका अपर पोर्शन है, मतलब अपर पोर्शन से लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ, अब यहाँ पे जो बॉटम है, बॉटम से दोबारा इसी ही लाइट का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा बच्चे, इसी ही लाइट का कुछ हिस्सा दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो यहाँ से चला जाएगा बच्चे किस में, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। अब हम ये जानते हैं बच्चे कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ चली जाती है तो वो नॉर्मल से जाती है अवे, लेकिन जब वो रेयर से डेंसर की तरफ आती है सो दे मूव टूवर्ड द नॉर्मल, और यहाँ से ये जा रही है, दे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे बच्चे अगर हम देखें ना, तो इस लाइट का दोबारा भी कुछ हिस्सा क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है और ये फिर यहाँ दोबारा इससे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे हम सिर्फ दो रे लेते हैं। अब इसकी फिल्म की जो चीज़ जो थिकनेस कितनी कम होना, तो इतना ही ये इसके दरमियान क्या हो जाएगी, इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी इंटरफेरेंस यहाँ पे हो गई, अब यहाँ पे अगर इसकी इंटरफेरेंस हो गई तो यहाँ पे इसका एक सिंगल वेव बनता है, और इस सिंगल वेव के नतीजे में हमें यहाँ पे जो कलर पैटर्न नज़र आता है बच्चे, तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। अब मिसाल के तौर पर देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बच्चे है, देखिए ये हमारे पास मीडियम है, ठीक है, वही फॉर एग्जांपल ये एयर है, ये हमारे पास क्या है, चलो ये हमारे पास बच्चे ऑयल है। अब ये तो हम लाइट को अगर हम इज अ वेव शो करें, तो फिर हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, और ये हमारे पास बच्चे चलो लेके, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये ऑयल है और ये क्या है, वाटर। अब अगर इसी मतलब लाइट को हम एज अ वेव माने, और ये फॉर एग्जांपल देखे ना, ये वेव इसकी तरफ आ रहा है, ये इसके 90 से टकराया। अब इस लाइट का देखे ना कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे इस लाइट का कुछ हिस्सा देखिए हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चे ये कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया। अब दोबारा से यहाँ से बच्चे जो लाइट जा रही है ना, अब इसका जो ट्रप है यहाँ पे वो क्या बनेगा, यहाँ पे वो क्रेस्ट बनेगा और ये ऊपर जाएगा। अब मिसाल के तौर पर देखें, क्रेस्ट क्रेस्ट पे आया, ट्रप ट्रप पे, क्रेस्ट क्रेस्ट पे, ट्रप ट्रप पे, तो यहाँ पे इसकी जो इंटरफेरेंस होगी वो क्या होगी, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मदद से हमें कौन सा बैंड नज़र आएगा, कलर बैंड नज़र आएगा, कलर फ्रिंजेस नज़र आएंगे। अब यहाँ पे बच्चे अगर हम देखें तो ए सी, या इसको कहो सी डी, इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है बच्चे वो बराबर है व्हाट, ए सी प्लस इसको नाम दे दो सी डी,
पार्ट डिफरेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो रिमेंबर बच्चे, पार्ट डिफरेंस डिपेंड करता है, एक तो हमारे पास है वाटर थिकनेस, थिकनेस थिकनेस ऑफ द मीडियम पे, ये एक पॉइंट हुई। दूसरी पॉइंट है बच्चे कि पार्ट डिफरेंस डिपेंड करता है नेचर, नेचर ऑफ द मीडियम पे। और थर्ड पॉइंट है कि ये डिपेंड करता है व्हाट इंसिडेंट एंगल पे, इंसिडेंट एंगल। तो इन तीन चीज़ों पे बच्चे हमारा पार्ट डिफरेंस डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए, जितने ये स्लाइड के दरमियान ये लाइट जितने एक दूसरे के करीब होंगे ना, तो इतना ही इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से हमने जो फिल्म लेना है, जो तह लेना है, वो थिन लेना है। जितने ये थिन, इसको हम थिन करते जाए, तो एक थिन करने से इसके दरमियान बच्चे क्या हो जाएगी, इंटरफेरेंस हो जाएगी। और हम देखेंगे स्क्रीन पे कि हमें ऑयली स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अब देखिए बच्चे, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय वाइट लाइट ले लें, और बच्चे वाइट लाइट को हम किसी इरेगुलर सरफेस पे इंसिडेंट करें, तो वहाँ पे हमें मल्टी कलर मिलेंगे। तो ये मल्टी कलर किस तरह मिलेंगे, तो चलो बच्चे इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बच्चे, व्हेन वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ थिन फिल्म ऑफ इरेगुलर थिकनेस एट ऑल पॉसिबल एंगल, सो वी शल ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू ईच स्पेक्ट्रल कलर सेपरेटली। दिस इज पॉसिबल दैट एट अ सर्टन प्लेस ऑन द फिल्म इज थिकनेस एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट आर सच दैट द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वन कलर इज बींग सेटिस्फाई। और हमें पता ही बच्चे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है वो है बच्चे एम प्लस हाफ लेमडा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वहाँ पे हमें एक कलर बिल्कुल गायब होगा, और वो सब कलर मिलके यहाँ पे एक मिक्सचर बनेगा और वो हमें नज़र आएगा। सो हेंस द पोजिशन ऑफ द फिल्म विल एग्जिबिट द रिमेनिंग कलर ऑफ द वाइट लाइट बिकॉज द डिफरेंट वेवलेंथ रीइंफोर्स एट डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे के वाइट कलर कंपोज ऑफ सेवन कलर, और हर एक कलर का जो वेवलेंथ होता है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो एज अ रिजल्ट हाईली कलर फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व, क्योंकि एक गायब हो गया तो बाकी जो कलर है ना वो इसका मिक्सचर होगा। एंड वी हैव द रेनबो इफेक्ट फॉर सोप बबल एंड ऑयल फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। सो थैंक यू स्टूडेंट बच्चे।